अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एमसीक्यूज है जो मैंने एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर से लिया है, ठीक है। तो चलो इस एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो हमें एक फोर्स का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया है, ठीक है। एक फोर्स है उसका हमें एक्स और वाई कंपोनेंट दिया है। उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है? 3 न्यूटन है। और उसका जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है? 4 न्यूटन है। फिर हमसे पूछा गया है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है हम इसको किस तरह लिखेंगे? इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट। सपोज ये वाला जो फोर्स है ये क्या है? एफ है, ठीक है। तो एफ को हम इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट किस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है? 3 है। तो हम इस तरह लिखेंगे 3i, ठीक है, प्लस 4j, ठीक है। 3 उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है और i जो है एक यूनिट वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। 4 क्या है? y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है और j उसके डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करेंगे? इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे। तो किस तरह लेंगे इसको? एफ इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो एफ आपके साथ क्या आ जाएगा? ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है, अंडर द रूट। तो एफ आपके साथ आ जाएगा 15 अंडर द रूट। तो एफ आपके साथ 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट वन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वाला एमसीक्यूज समझ आया होगा। सिंपल सा एमसीक्यूज है, इतना मुश्किल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।